औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन प्रोग्राम के वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे 18वीं तरमीम की। 18वीं तरमीम है क्या, क्यों कर इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, क्यों कर इसमें तरमीम की बातें की जा रही हैं, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सूबों की आज़ादी किस तरह सल्ब की जा सकती है, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। माहरीन कानून के अलावा हम सियासतदानों के साथ भी बात करेंगे, जबकि हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर सीनियर तजियाकार जनाब अरसलान रफीक भट्टी मौजूद हैं, इनसे भी तबसरा करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि 18वीं तरमीम आखिर तहरीक इंसाफ को डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अहम वुज़रा की जानिब से 18वीं तरमीम पर दोबारा गौर करने से मुतल्लिक बयानात ने मुल्क में सूबाई खुद मुख्तारी और वफाकी निजाम के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, जबकि हिजब इख्तलाफ की जमातें ऐसे किसी इकदाम को मुल्क में नए सियासी और आईनी बहरान का पेशखैमा करार दे रही हैं। हत्ता के हालात को 1971 की नहज तक पहुंचने का इंदिया भी दिया जा रहा है। 18वीं तरमीम है क्या, किस तरह इससे सूबाई खुद मुख्तारी को खतरात हैं या वफाक के लिए मुश्किल हैं, ये समझने के लिए 18वीं तरमीम का जायजा लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज के पार्लियामानी निजाम को राइज करने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गवर्नर राज के तहत गवर्नर जनरल के इख्तियारात मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा कर दिए गए और उस वक्त के सूबा सरहद में जो आजकल KPK कहलवाता है, मुंतखब हुकूमत गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से हटा दी गई। 1973 के आईन में मौजूद इस किस्म के शुक्म को दूर करने के लिए 2009 में उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के तमाम तर सियासी जमातों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई और 18वीं तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करने का टास्क दे दिया गया, जो कि तकरीबन 18 माह की मेहनत के बाद मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असेंबली ने 9 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम मंजूर की गई, जबकि सेनेट ने 15 अप्रैल को मंजूरी का इंदिया दे दिया और सदर मुमलिकत ने 19 तारीख को 18वीं तरमीम के बिल पर दस्तखत करके इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। 18वीं तरमीम की मंजूरी से 1973 के आईन में कई तब्दीलियां की गईं, जिनमें सदर से असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार वापस लेना, सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा नाम देना, साबिक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल्लाह का नाम आईन से ऑब्सलीट करना, निकालना, तीसरी मरतबा वजीर आजम या वजीर आला बनने की पाबंदी खत्म करना, एक दर्जन से ज्यादा वफाकी वजारतों के इख्तियारात सूबों को मुंतकिल करना, वफाकी काबीना में वुज़रा की तादाद 11 करना, वजीर आजम को मुश्तरका मफादात कौंसिल का सरबराह मुकर्रर करना, आला अदलिया के जजों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के तरीके को मुतारिफ करवाना, आईन को मुअत्तल करना संगीन गद्दारी करार दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट का खात्मा भी इसके अंदर शामिल था। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत को हासिल होने वाले महासिल का बड़ा हिस्सा 58% सूबों को मुंतकिल हो जाता है, जबकि बाकी मानदा 42% से इस्लामाबाद ने दफाई बजट, वफाकी हुकूमत के इंतजाम, अखराजात और अंदरूनी बैरूनी कर्जों की अदायगी करना होती है। वफाकी हुकूमत की मुश्किलात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते भी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला बयान वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी और वफाकी वजीर असद उमर ने दिया था। उन्होंने एक टीवी शो में कहा था कि 18वीं तरमीम में कुछ खामियां देखने में आ रही हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। तहम उन्होंने कहा कि हुकूमत इख्तियार की सूबों को मुंतकली के खिलाफ हरगिज नहीं है। हमारे साथ अरसलान रफीक भट्टी मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफी हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये जो तौजीहात पेश की जा रही हैं कि 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की जाए, इसमें रद्दोबदल किया जाए, इख्तियारात कम किए जाएं, किस हद तक दुरुस्त है। अरसलान रफीक भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप, क्या वाकयातन 18वीं तरमीम को खत्म करने या इसके अंदर मजीद तरमीम करने की जरूरत है? बहुत शुक्रिया राय साहब। मसला सिर्फ जो है वफाकी हुकूमत का और सूबों की लड़ाई का नहीं है, यहाँ पे मामला है जो 58% महासिल यानी टैक्सेशन जो है वो सूबों को मुंतकिल हो गई। विफाक जो है, मौजूदा हुकूमत ने, जो विफाकी हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि इतने ज़्यादा बड़ी तादाद या इतनी ज़्यादा लोग जो पैसे हैं वो सूबाई इख्तियारात में जाएँ। अदरवाइज कोई मसला नहीं था इसमें, और इसमें तरमीम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। बरतानिया, जिस पे आपने जिक्र किया कि जी तर्ज हुकूमत जो है उसके ऊपर या उनके आईन जिस तरह का उनकी तर्ज हुकूमत है, उसी तरह पाकिस्तान पर बनाया गया, भारत में उसी तरह कामयाब तजुर्बा जारी है। जितने नीचे लेवल पे पावर्स डेलीगेट की जाती हैं या ट्रांसफर की जाती हैं या नीचे दी जाती हैं, उतना ही सूबा मजबूत होता है, और सूबा जब मजबूत होगा
तो विफाक भी मजबूत होगा। बट इज आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसे आप इख्तियारात की तकसीम कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी बहुत बड़ी हामी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही बात की थी कि जनूबी पंजाब का सूबा बनना चाहिए, दीगर सूबे भी बनने चाहिए, फिर ये इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? राय साहब देखें, जो तहरीक इंसाफ ने कहा था जनूबी सूबा पंजाब बनना चाहिए, उन्होंने थोड़े दिन के बाद कहना शुरू कर दिया, वजीर खारजा समेत तमाम वफाकी वज़रा जो जनूबी पंजाब से हैं उन्होंने कहा जी कि हमारे पास मतलूबा नंबर या मतलूबा नंबर गेम नहीं है। एक तो इशू खत्म हो गया, दूसरा उन्होंने कहा जी कि वो नारा उनका क्या था जी, करप्शन के खिलाफ, तो चीनी और आटा चोर जो हैं वो उन्हीं की सफ़ों में मौजूद हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अपोजिशन को दबाने की सारी बात हुई, अब आगे 18वीं तरमीम, चूंकि पीपल्स पार्टी ये करके गई थी और सदर के अख्तियार थे कि असेंबली तोड़ सकते थे, सदर ने अपने अख्तियार साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इसको खत्म किया, बहुत अच्छा इकदाम था कि पार्लियामेंट जब सुप्रीम है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक हम कहते हैं जी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है हमारा, हर जगह वो करेगा काम और सबसे बेहतर काम या बड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म वो होगा, तो फिर सारे काम वो ही करे। अगर पार्लियामेंट में एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, यानी जो अराकीन कौमी सूबाई असेंबली हैं और उनके साथ साथ सेनेट के, वो इसका फैसला करें। सदर पाकिस्तान फर्द वाहिद क्यों फैसला करे कि जी वो करे, ये चीजें जो हैं वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो है अख्तियार जो है लामहदूद होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जो चाहे कर ले, स्याह कर ले, सफेद कर ले, दिन के 12 बजे कहे कि रात के 12 बज गए हैं तो वो कर ले। 18वीं तरमीम को एक पंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है, वो नहीं छेड़ना चाहिए इनको, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे काम किए गए। जब आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम के आने के बाद कॉम्प्रस जमातें जो हैं वो कमजोर हुई हैं, क्योंकि जो उनके मुतालबात थे वो तकरीबन पूरे कर दिए गए, सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, उनको इख्तियार दिए गए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नीचे से नीचे तक होता चला गया, बल्कि जो सियासी जमातें आज इस 18वीं तरमीम की मुखालफत कर रही हैं इनमें से बेशतर लोग वो हैं जो 18वीं तरमीम का मुसवदा तैयार करने वाली कमेटी में मौजूद थे। राय साहब अफसोस की बात यही है कि जिन्होंने ये काम किया है वो सारे आज मुखालफत में बयानात दे रहे हैं, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है कि 14 से 12 16 के करीब ऐसी चीजें हैं जो मैं इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दिए गए हैं, उसमें तालीम बिल्कुल ठीक है देनी चाहिए, पूरी दुनिया में तालीम जो है वो, अब अमरीका की मिसाल हम बड़े आजकल अमरीका के पीछे हैं जिनको उन्होंने लॉकडाउन नरम कर दिया हमने भी कर देना है, इसी तरह हमने कोरिया की मिसाल देते हैं, मलेशिया की मिसाल देते हैं, हम इंग्लैंड की मिसाल देते हैं, वहां पर अगर आप जाके देखें तो उनका जो बल्दियाती निज़ाम है वो हमारे जो ऊपर वाले निज़ाम है यानी कौमी मसवाई असम्बली उनसे भी मजबूत है। और भट्टी साहब ये जो टाइगर फोर्स बनाने की बातें की जा रही हैं, ये बात बीच में आ गई कि टाइगर फोर्स से जो ये काम लेना चाहते हैं, अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, आपका लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो मजबूत हो, तो ये टाइगर फोर्स और दीगर फोर्सेस बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काम मुंतखब नुमाइंदे करेंगे और कोई शख्स इन पर उंगली नहीं उठा पाएगा। ये राय साहब बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा बल्दियाती निज़ाम मौजूद था, प्लेटफॉर्म मौजूद था, नेटवर्क मौजूद था, लेकिन चूंकि मौजूदा हुकूमत ने आते ही उसको सस्पेंड कर दिया और उसको उड़ा के रख दिया, उसके बाद कोई चीज़ नहीं मिली, सारे के सारे जो निज़ाम था वो सारे के सारा वापस जो है ब्यूरोक्रेसी और अफसरान के हाथ में आ गया। आज भी उनको मुतहरक कर लें, आपको किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, आपके जो काउंसलर होते हैं मोहल्ले के 9, 7, 8 जितने भी काउंसलर होते हैं एक यूनियन काउंसिल में, अगर आप उनको देखें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, मसला ही कोई नहीं होता, उनको एक एक घर का, एक एक नुकर का, एक एक बंदे का पता होता है कि उसका जरिया माश क्या है, क्योंकि वो बहुत लोअर लेवल पे सियासत कर रहा होता है। 15,000 से 20,000 की एक यूसी होती है और एक यूसी के अंदर 8 से 9 अफराद मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें 13 थे पहले, फिर उसको करते करते इन्होंने 11 कर दिए, 2 कम कर दिए, लेकिन 13 अफराद भी अगर मौजूद हैं वो 20-22-25 हज़ार आदमी को बड़े आसानी से देख सकते हैं, उनको जानने के लिए मुश्किलात नहीं होती हैं। अब टाइगर फोर्स बना दिया जी कि बाजारों में रश रोकेंगे, बाजारों में ये करेंगे, पहले था जी कि वो राशन तकसीम करेंगे, अभी आप जाके देख लें कि टाइगर फोर्स वाले जो हैं उनमें से बहुत सारी उनके खिलाफ शिकायात हैं, मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जाम भी उन पर आ रहे हैं। हुकूमत 18वीं तरमीम को अगर छेड़ना क्यों चाहती है, उनको किस किस्म के इख्तियार चाहिए, क्यों नहीं पार्लियामेंट के इजलास में ये बात सारा कुछ करते, अभी बात होती है कोरोना की, बात आ जाती है 18वीं तरमीम की। आप यकीन कीजिए भट्टी साहब, जब 18वीं तरमीम की बात होगी तब हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोरोना डिस्कस होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर रुकन कौमी असेंबली जनाब राणा सनाउल्ला। राणा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दौर के अंदर डेवोल्यूशन ऑफ पावर की हामी थी, आज 18वीं तरमीम को खत्म करने या उसके अंदर तरमीम करने की बातें की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर मजीद तरामीम होने की जरूरत है? देखिए, इस वक्त मीडिया में जो पूरा फोकस है इनका कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के ऊपर, जो इनका फेलियर है, जो इनका अभाम है, ना ये लॉकडाउन कर रहे हैं ना ये नॉन लॉकडाउन कर रहे हैं, लोगों के बिजनेस इन्होंने तबाह कर दिए हैं, तो
उसके ऊपर मीडिया में इनकी बड़ी छतरौल हो रही थी, तो मेरा ये ख्याल है कि उससे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने अब दो इशू ये शुरू किए हैं। एक ये आईनी बहस शुरू करवाना चाहते हैं ये मीडिया में 18वीं तरमीम की, और दूसरा जो है वो शहजाद अकबर टाइप लोगों को निकाला हुआ है कि वो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसका फिर जवाब आएगा, फिर जवाब जवाब आएगा, फिर उसके बाद जवाब आएगा। तो ये दरअसल मीडिया स्पेस जो है उसको मेरी राय है कि उसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या ये समझूं आपकी बात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18वीं तरमीम के अंदर कोई तरमीम करना नहीं चाहती, ये सिर्फ एक मीडिया को इंगेज करने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए स्टंट रचाया गया है? ये बिल्कुल, उसकी वजह ये है ना कि 18वीं तरमीम कोई कानून तो नहीं है, वो तो आईन है, आईन का हिस्सा है। आईन को आप इस तरह से जो है वो कैसे डिबेट कर सकते हैं? अगर आपने उसमें कोई तरमीम लानी है तो आप तरमीम लाएं, पेश करें उसे जो है वो बिल की सूरत में जो है कौमी असम्बली में या सेनेट में, तो वहां पे बहस होती रहेगी, वहां पे भी बहस होगी, मीडिया पे भी होगी। जब आप कर भी कुछ नहीं रहे और फिर आप ये भी कह देते हैं कि जी हमारी कोई बात ही नहीं हुई, ना मीटिंग में, ना कैबिनेट में हुई है, ना को हमारा इरादा है, ये भी आप कह रहे हैं, तो फिर इधर उधर जो जो है लोग उनसे जो है वो कभी पंजाब से कभी सिंध से, तो ये बातें जो करवा रही हैं वो सिर्फ इसलिए है इसके ऊपर जो है वो सबकी तवज्जो चली जाए। अगर मीडिया एयर टाइम जो है वो मिसाल के तौर पे 8 घंटे है तो 8 घंटे में से वो 2 घंटे ये कवर कर ले, बाकी भी इसी तरह से, और वो इनके ऊपर जो इनका फेलियर है उसके ऊपर कम से कम बात हो। खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर क्या असूली मौकफ है? क्या वो समझते हैं कि इस तरमीम में कुछ कमियां, कोताहियां, कजियां रह गई हैं, उन्हें बेहतर करने की जरूरत है? देखिए जी, अगर मुस्लिम लीग नून ऐसा समझेगी तो मुस्लिम लीग नून जो है वो चीज सामने ले आएगी बिल की सूरत में। खान साहब, कुछ हल्के ये बातें कर रहे हैं कि शायद कोई मामला आपके, लेकिन 18वीं तरमीम जो है, 18वीं तरमीम में जो आईन में अमेंडमेंट्स हुई थी वो तो मेरा ख्याल है कि यानी कोई 50-60 के करीब है। अगर किसी को कोई किसी मामले से प्रॉब्लम है तो वो बताए ना कि किससे है, यानी ये पूरा कह देना कि जी 18वीं तरमीम या आईन के ऊपर इतराज है, ये तो कोई बात ना हुई, और जिसको है वो लाए सामने वो बात करे। सूबे को मिलने वाले महासिल के ऊपर काफी ज्यादा बहस की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सूबों को जो अपना फंड मिलता है वो ज्यादा है, उसको कुछ कम करना चाहिए, 42% वफाक के लिए कम है, कोई 50-50 की बात आ जाए। नहीं, हमारा ये मौकफ है कि वो जो वसाइल है वो सूबों को और ज्यादा देने चाहिए, सूबों को इस वक्त जो वसाइल दिए जा रहे हैं वो कम है, और वफाक की मुदाखलत सूबों में और कम होनी चाहिए, और ऐसी चीजें हैं। तो रान साहब, मजीद कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो सूबों को मिल जाने चाहिए? यानी देखे ना, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो अपना सूबा उस पर जिम्मेदार है, वफाक का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से कोई तलक नहीं है, लेकिन आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती जो है वो वफाक करता है, वो क्यों? और फिर जहां कहीं इनकी फिर अपनी मर्जी नहीं होती, ये आपने देखा ही है कि पंजाब में 4 आईजी और कोई 4 ही चीफ सेक्रेटरी जो है वो आंख झपकते इन्होंने तब्दील किए हैं, और सिंध वालों को जो है वो इन्होंने फंसाए रखा 3-4 महीने। तो ये चीजें जो है ये सूबों को अंडरमाइन करती हैं। तालीम के हवाले से भी बात की जा रही है कि एक ही निजाम जो है तमाम मुल्क के अंदर नाफिज होना चाहिए, हर सूबे को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपना अपना निजाम तालीम मुतारिफ करवाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या है? नहीं, इसमें जो एक पॉलिसी लेवल है जिसमें निसाब है बाकी चीजें हैं वो ऑलरेडी वफाक के पास है, उसके साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो वेरी मच। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर छोटे सूबों से ताल्लुक रखने वाली जमातें क्या कहती हैं, उन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नजर आपके सामने आ गया। अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर जनाब कमरुज़्ज़मां काहरा। कमरुज़्ज़मां काहरा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। काहरा साहब, आज फिर आवाजें उठ रही हैं 18वीं तरमीम को खत्म करने की, उस तरमीम के अंदर तरमीम करने की, क्या समझते हैं आप, तरमीम होनी चाहिए? देखिए,
18वीं तरमीम अब कोई चीज नहीं रह गई, अब वो आईन पाकिस्तान है, आईन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें तरमीम हो सकती है। क्या तरमीम करनी मकसूद है? अगर बेहतरी के लिए हो तो यकीनन सब लोग साथ देंगे, और अगर बेहतरी के लिए ना हो और कोई कंट्रोवर्शियल इशू छेड़ा जाए, या जिस तरह हठधर्मी है, या जिस तरह पाकिस्तान को एक फेडरल निजाम के नहीं एक सेंट्रिस्ट निजाम के तहत चलाने की कोशिश माजी में भी की गई, उस आमराना ज़हनियत उस फाशिस्ट ज़हनियत का दोबारा इजहार किया जाए, तो उसको लोग जितना रजिस्ट कर सकेंगे करेंगे। और हम समझते हैं कि आईन के अंदर जब आईन नहीं था तो उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में अलहदगी के सूबाई खुद मुख्तारी के इशू पे पाकिस्तान कमजोर हुआ, पाकिस्तान के मुखालफों को पाकिस्तान को कमजोर करने का मौका मिला, और पाकिस्तान के अंदर से बहुत खौफनाक आवाजें उठी बलोचिस्तान में भी, सिंध में भी, बाकी सूबों में भी। 1973 के आईन ने पहली दफा इस मामले को एड्रेस किया, उसके बाद फिर दोबारा आमरीत के अदवार में वही अजाब आए कि आपने निजाम को ताकत के जोर पे सेंट्रिस्ट निजाम मजबूत मरकज के तहत चलाना चाहा, आमरीत के तहत चलाना चाहा, उसके नतीजे में दोबारा सूबाई खुद मुख्तारी और सूबाई हकूक की बुनियाद पे वो प्रामिसेस जो हमारे आबाओ अजदाद ने 1940 में 1947 में या 1973 में किए थे, जब उनको डिनाई किया गया, उनको निगेट किया गया, तो फिर वो दोबारा सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे बनारे लगने शुरू हुए जो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल थे। हमने 18वीं तरमीम के जरिए उन नारों को कौमी इत्तेफाक राय से उन नारों को खत्म करने के लिए वो वादे पूरे किए जिनको 18वीं तरमीम कहा जाता है। अब अगर कोई उसमें बेहतरी लाना चाहता है तो जरूर, लेकिन अगर आप सूबाई खुद मुख्तारी को किसी बहाने से या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को किसी बहाने से छेड़ना चाहते हैं तो ये वो इशू है, वो नाजुक और हसास इशू है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मेक एंड ब्रेक हुआ और पाकिस्तान को मुख्तलिफ अदवार में कमजोर किया गया। आज भी हम समझते हैं कि अगर इसको छेड़ा गया नॉन प्रोफेशनली छेड़ा गया, गैर संजीदगी से छेड़ा गया, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम इस पे बड़ा रिजेंटमेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी इस पे जज्बाती होने की बात कर रही है, वरना ये बात दुरुस्त है कि आईन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें जो बेहतरी की बात हो उसको भी मीडिया के अंदर डिबेट करने या गैर जरूरी इश्यूज के गैर जरूरी फोरम्स पे डिबेट करने की बजाय पार्लियामान के अंदर मौजूद जमातों के साथ और पार्लियामेंट में एक वाजे नुक्ता नजर के साथ कि आप क्या चाहते हैं आप उसको डिबेट करें, वरना इस तरह के सवालात से हासिल तो कुछ नहीं होता, नुकसान बहरहाल हो जाता है। और इत्तेफाक राय हमारे यहाँ पहले ही बड़ा कमजोर है, हमारे यहाँ पहले ही पोलराइजेशन बहुत है, अगर हम इन इश्यूज को दोबारा छेड़ेंगे तो हमारे लिए और बड़े अजाब खड़े हो सकते हैं। दारा साहब, हुकूमती जरा ये कहते हैं कि जो महासिल है उनकी तकसीम के ऊपर डिस्प्यूट आ रहा है, सूबों को जो मिलने वाले महासिल हैं उनको कम करने की बात की जा रही है, तालीम के मामलात को छेड़ने की बात की जा रही है, क्या आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है और इन पर बहस होनी चाहिए ऐवान में? देखिए, पहली बात तो यह है जो तकसीम महासिल है वो एक अलग इशू है, वो तो एक फोरम का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम का, और आईन के अंदर उसका एक तरीका कार दर्ज है। उसको भी अगर बात करनी है तो उसका तरीका कार क्या है, क्या उसका तरीका कार ये है कि आप सूबों के ऊपर चढ़ दौड़े, क्या आप रैशनल बात सुनने को इनकार कर दे? जब एनएफसी हुआ तो एनएफसी में उस वक्त भी बड़े कलायक लोग मौजूद थे, सारी सियासी जमातें मौजूद थी, हुकूमतें मौजूद थी, दानिश्वर मौजूद थे, उसकी बेसिस ये रखी गई कि पाकिस्तान के महासिल को बढ़ाया जाएगा। ये याद रखिए, ये जो कहते हैं ना हमारे दोस्त के जी वो सूबों को जो है वो कर्जों का भी शेयर लेना चाहिए और डिफेंस का भी शेयर लेना चाहिए और वफाकी महासिल के अंदर से वफाकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शेयर देना चाहिए, तो ये पहले जो पैसे मरकज को मिल रहे हैं ये सूबों के शेयर से ही मिल रहे हैं, वो उसमें ऑलरेडी अपना शेयर अदा कर रहे हैं। जब हमारे दौर में एनएफसी को 7th एनएफसी अवार्ड हुआ तो उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारे दौर में 2008 में वफाकी महासल यानी जो पैदावार थी टैक्सों के जरिए वो 1100 अरब थी, हमने उसको 2120 अरब तक बढ़ाया था,
उसके बाद मुस्लिम लीग ने उसको 3850 या 3840 अरब तक लेके गए थे। इन दोनों अदवार में तकरीबन डबल हमने किया उसको। पीटीआई का तसव्वुर ये था, हमारा भी तसव्वुर ये था, मुस्लिम लीग का भी तसव्वुर ये था कि हम इसको 6000 और फिर 8000 अरब तक लेके जाएंगे। और पीटीआई का तो पहले साल इंतखाबी नारा ये था कि हम इसको पहले साल में 6000 अरब, दूसरे साल में 8000 अरब पे ले जाएंगे, और फिर बाहर पड़ी हुई 200 अरब की दौलत है डॉलर की, वो आ जाएगी, फलां आ जाएगा, और टैक्स लोग हमें देना शुरू कर देंगे क्योंकि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े खराब थे, लिहाजा लोग हम पे एतबार करके टैक्स देंगे। तो जो टैक्स का फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का तय हुआ वो वफाकी महासल को फोर्स ही करके रखा गया। उसमें अगर पीटीआई 6000 अरब का, इवन 5000 अरब का भी टारगेट तय कर ले, अचीव कर ले, तो यकीनन ये जो फार्मूला है ये ठीक है। और अगर कोई कोई शिक आइन की उस पर प्रॉपरली अमल पूरी तरह नहीं हो रहा, जिस तरह हमारे दोस्तों का ये ख्याल है कि जी रेवोल्यूशन तो हुआ लेकिन सूबों ने इख्तियार नीचे डिवॉल्व नहीं किए, तो भाई पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से सुबह लोकल गवर्नमेंट तोड़ के बैठ गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप लोकल बोर्ड गवर्नमेंट का इंतखाब नहीं करा रहे। तो अगर माजी में किसी आईनी शिक पे पूरी तरह अमल नहीं हो पाया तो उसकी उसके लिए ये तो नहीं हो सकता कि आप रिवर्स बैक कर जाएं। फिर आप अगर आपको इदराक हो गया है कि ये अमल दरामद नहीं हुआ तो आपको अमल दरामद कर देना चाहिए, उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए कि जो अमल दरामद ना होने की बदौलत परफॉर्मेंस खराब हुई आप अमल दरामद करके परफॉर्मेंस ठीक करें, जो ऑलरेडी इत्तेफाक राय है उसको क्यों छेड़ते हैं। सो एनएफसी को बेसिकली हुकूमत वक्त को अपने रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है, एनएफसी को छेड़ने की सूबों के इख्तियारात या वसाइल कम करने की नहीं। और सूबे पहले भी, वो डेट रिटायरमेंट हो, वो डिफेंस हो, वो फेडरल एक्सपेंडिचर हो, उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, ये पैसा वहीं से आता है, सूबों से ही आता है, सूबों के बिहाफ पे इकट्ठा होता है, आपकी मेजर जो इनकम है वो इसी तरह होती है, और सूबाई और कौमी महासिल इकट्ठे होके ये फार्मूले तय होते हैं। लिहाजा इस पे बात अगर करनी भी है तो वो बजाय इसके कि आप जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको छेड़े, आप सही अप्रोप्रिएट फोरम्स पे बात करें और दुरुस्त और बड़ी समझदारी से बात करें, क्योंकि ये बड़े नाजुक और हसास इश्यूज है। इससे हमारी कुछ देर पहले बात हुई राणा सनाउल्ला से, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के ऊपर डिस्कस होना चाहिए। उनका कहना यह था कि सूबों को मजीद इख्तियारात मिलने चाहिए, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती है, आईजीज की तैनाती है, इनके ऊपर बहस होनी चाहिए और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के अमल को मजीद तेज और बेहतर करने की जरूरत है। डू यू एग्री विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पॉइंट ऑफ व्यू? जब हमने 18वीं तरमीम की थी जी, तो उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि हमने इत्तेफाक राय से असेंबली के अंदर मौजूद तमाम सियासी कुव्वतों से इत्तेफाक राय किया, और जिन जिन पॉइंट्स पे इत्तेफाक हुआ हमने वो पॉइंट 18वीं तरमीम की शक्ल में लागू कर दिए। बाकी हमने कहा था कि हम इन आइन के अंदर मजीद तरामीम की जरूरत है, उसको और बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए, और इसमें जो आमरियत के अदवार में खराबियां पैदा की गई थी उसको भी और साफ करने की जरूरत है। तो वो बात तो हम उस वक्त भी कह रहे थे, ये मैंने तो पहले भी कहा कि आईन के अंदर तरमीम पॉसिबल है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपने क्या तरमीम करनी है और क्यों करनी है वो पहले बात तो रखें और अप्रोप्रिएट फोरम पे रखें, ताकि आप तनाव खड़े ना कर दें। ये जो डिबेट गैर मजदूरी तरीके से उन्होंने छेड़ी है और गैर जिम्मेदारी से छेड़ी है, इससे एक नुकसान का अमल हो सकता है, इससे फायदा कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कम उजमा कारा साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर हमारे सामने रखा है। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौके का फायदा उठाते हैं, उनसे चाहेंगे कि वो तजजिया कर दें राणा सनाउल्ला और कम उजमा कायरा के स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनके नुक्ता नजर के ऊपर। जी भट्टी साहब, राय साहब देखें, दोनों जो पार्टी के सदर हैं सुबाई, उनका यही कहना था कि इसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, और असल जो इशू था कोरोना का उससे हुकूमत ने हटाने का जो है एक किस्म का और रास्ता राय फरार इख्तियार की,
और राणा सनाउल्ला ने बड़ा क्लियर ये आपको बताया है बहुत साफ अल्फाज में कि सूबों को मजीद बाख्तियार बनाएं, और इसकी वही बात है कि सूबे बाख्तियार होंगे तो वफाक ज्यादा बाख्तियार और मजबूत हो जाएगा। लेकिन भट्टी साहब यहां पर मामला तो कुछ और चल रहे हैं, आपके भी जराए हैं, आपको भी इतलात मिली होंगी कि मुस्लिम लीग नून कहीं पर किसी अदारे के साथ कुछ सेटलमेंट के मामला चल रहे हैं, कुछ मामला उनके बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और 18वीं तरमीम में उसमें मजीद अमेंडमेंट्स करने के हवाले से वो किसी हद तक एग्री नजर आते हैं। आज राणा सनाउल्ला का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा इस हवाले से स्टेटमेंट देते हैं दे आर वेरी मच क्लियर, लेकिन व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन, सीन क्या है? देखें जो एक जो मुस्लिम लीग नवाज के बारे में जो बात बार बार आ रही है जी कि शायद वो कोई सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं या उनको कोई एनआरओ मिलने जा रहा है, उसमें यह है कि देखें मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा आज तक नैब ने पकड़े या अदालतों में गए उनमें से किसी के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं हुए, और यही जो है हमारे कुछ मुक्तदर इदारे और कुछ मुक्तदर हलके जो हैं खासतौर पर जो सियासी हलके हैं उनका यही कहना है कि जब निकलना कुछ नहीं था तो इनको पकड़ा क्यों गया, अगर मकसद इनको सियासी तौर पर दबाव में लाना है तो वो तो ऑलरेडी दबाव में हैं, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर हुकूमत चलनी है तो उसके साथ ऑपोजिशन ने भी चलना है, गाड़ी के जमहूरियत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हुसन भी यही है, हिस्सा भी यही है, और अगर आप ऑपोजिशन को दबाते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑपोजिशन फट पड़ेगी और वो कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हो जाएंगे, या वो किसी शख्सियत को मना लेंगे या वो अवाम को मना लेंगे और उसके बाद हुकूमत का क्या हाल होगा। एक तीसरा भी रुख है इस बात का, वो ये कि या वो खुद मान जाएंगे। क्या कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सवाल से नुकता नजर क्या है? सूबाई वजीर पंजाब के फयाजुल हसन चौहान ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगु की है, 18वीं तरमीम के ऊपर भी उन्होंने लबकुशाई की है, क्या कहना है फयाजुल हसन चौहान का सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस के इस पूरे प्रोसेस ने इन चार महीनों में इस पूरी अपोजिशन और इस आल पाकिस्तान लूटपार एसोसिएशन की जो 18वीं तरमीम की गजल थी उसको मैं समझता हूं कि नाकाम कर दिया है। आज ये जरूरत महसूस हो रही है कि जिस 18वीं तरमीम के तहत सूबे अपने हिस्से की दौलत वफाक से तो ले जाते हैं लेकिन अपने हिस्से की आई हुई दौलत में से अपने नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इक्वल तकसीम करने को तैयार नहीं हुए 10 साल। यही वजह है कि जनूबी पंजाब के अंदर महरूमी थी, यही वजह है कि जनूबी पंजाब का शायर, जनूबी पंजाब का दानिश्वर, जनूबी पंजाब का प्रोफेसर, जनूबी पंजाब का पॉलिटिशियन, जनूबी पंजाब का सियासतदान, जनूबी पंजाब का क्लर्क, जनूबी पंजाब का काश्तकार, जनूबी पंजाब का जिम्मेदार, जनूबी पंजाब का हर शहरी सारा दिन तख्ते लाहौर के ताने देकर अपनी एहसास महरूमी का रोना रोता था। वजह उसकी क्या थी? हालांकि यह रोना नहीं होना चाहिए था। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब को अगर दौलत उसके हिस्से की वफाक दे देता था तो पंजाब का फर्ज बनता था जो 5-10 साल नाम नेहाद बुजदल आला शहबाज शरीफ साहब यहां पर बरसे इकतदार रहे जिनको खादम आला कहलाने का शौक था, जो आज 18वीं तरमीम के मामे चाचे ताए और फुफड़ बन के फिरते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि उस 18वीं तरमीम के तहत आपका फर्ज बनता था कि NFC अवार्ड में जो दौलत आपको मिली आपने 2008 से लेकर 2018 तक वो सारी दौलत जिला लाहौर, जिला फैसलाबाद, जिला गुजरांवाला और जिला रावलपिंडी, इन चार जिलों के अलावा आपने पैसा कहीं पर लगाना गवारा नहीं किया। ये आपने पूरे पंजाब और जनूबी पंजाब के साथ गद्दारी की, आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए, आप 18वीं तरमीम से गद्दारी की, आपने 18वीं तरमीम के जो 90% अच्छाइयों के ऊपर मुश्तमिल थी आपने उसकी अच्छाइयों को भी बुराइयों में तब्दील कर दिया। आपका फर्ज बनता था कि आप सूबाई फाइनेंस बोर्ड बनाते, उसके तहत जिला मुजफ्फरगढ़, जिला लैया, जिला डेरा गाजी खान, जिला बहावलपुर, जिला मुल्तान, जिला राजनपुर, इनको उस NFC अवार्ड के तहत मिलने वाली पंजाब की दौलत में से बराबर का इनकी आबादी के मुताबिक हिस्सा देते, लेकिन आपने हिस्सा नहीं दिया तो आपने साबित किया कि 18वीं तरमीम को आपने नाकाम किया है। अब वक्त आ गया है कि इस 18वीं तरमीम की जो अच्छी चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाए और जो उसमें से कुछ नेगेटिव चीजें हैं उनको रिमूव किया जाए, और यह बगैर कंसेंसस के नहीं हो सकता। फयाजुल हसन चौहान का कहना यही है कि 18वीं तरमीम के ऊपर बहस होनी चाहिए, सूबों को मिलने वाले इख्तियारात पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून आफताब बाजवा मौजूद हैं। आफताब बाजवा साहब, वेलकम टू द शो। जी जी, थैंक यू।
आफताब बाजवा साहब, 18वीं तरमीम को खत्म करने की, उसके अंदर मजीद तरामीम की बात की जा रही है, डेवोल्यूशन ऑफ पार्क को कम करने की बात की जा रही है, बतौर कानूनदान, बतौर एक डेमोक्रेटिक वर्कर आपका इस पर नुक्ता नजर क्या है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, ये जो 18वीं तरमीम है, आपको याद होगा कि जब 1973 का आइन बना था उस वक्त जो सूबों के इख्तियारात थे बड़ी उसमें तफसील के साथ उस पर डिबेट हुई थी, और उसके अगर मिनट 1973 की असेंबली का ठाके देखें तो उस वक्त इस पे बहुत बड़ी बहस होती रही, और बहुत बहस के बाद ये जो है जो इख्तियारात सूबों के थे वो मुतय्यन किए गए थे। लेकिन बाद में क्योंकि ये बंदरबाट एक शुरू हुई, जब ये पता चला कि जी सिंध में पीपल्स पार्टी ने रहना है और यहाँ नून लीग ने रहना है और वहां पे एएनपी या मौलाना फजल रहमान ने रहना है एक सूबे में, तो तब इन लोगों ने मिलकर ये सब एक साजिश के तहत ये अमेंडमेंट की थी 18वीं तरमीम, जो पाकिस्तान को सूट नहीं करती, क्योंकि जो हकूक जो है वफाक के हकूक है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। जब अगर वफाक मजबूत नहीं होगा तो सूबे मजबूत नहीं हो सकते, इसलिए जरूरी है इसमें तरमीम करना, और इसमें जो अख्तियारात हैं सूबों के उनके इख्तियारात जो वफाक के ऑलरेडी होते हैं वो उनको वापस मिलने चाहिए, वफाक को सूबों के जो इख्तियारात हैं वो उनकी उनकी हद तक होने चाहिए। कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो वफाक को वापस मिलने चाहिए, थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं हमारी। देखिए, आपके बहुत सारे जो माली जो मामलात हैं उनमें बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दे दिए गए हैं, जबकि माली मामलात में हमेशा वफाक सूबों की मामलत करता है, उनको उनके हिसाब से उनके मुताबिक उनको बजट दिया जाता है, जिसकी वजह से अब क्योंकि ये जब से ये 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट आई है, आपने देखा है कि सिंध के अंदर क्या तरक्की हुई थी, उसके बाद देखा आपने जो पेशावर में हाल हुआ, जो बलूचिस्तान का इस वक्त हाल है आप देख रहे हैं, ना सड़कें हैं वहां पे, ना स्कूल है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना दूसरे अदारे हैं, जो वफाकी अदारे जो हुकूमत ने एस्टेब्लिश करने होते हैं वो एस्टेब्लिश नहीं हो सके क्योंकि अख्तियार चले गए सूबों के पास, वहां पे ना अस्पताल बन सके, ना यूनिवर्सिटी बन सके, ना तलीमी अदारों बन सके, ना लोगों को साफ पानी मुहैया हो सका, जिसकी वजह से ये सारे जो है इख्तियारात मैं समझता हूँ जो सूबों को दिए गए थे जो मिस यूज हुए हैं, इनका हर जो सूबे के जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से जो है इसको मुल्क को लूटा है, जिसकी वजह से आज मुल्क जो दिवालिया हुआ है इसी वजह से है कि ये 18वीं तरमीम ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। ये एक बहुत बड़ी एक साजिश थी इस मुल्क के साथ कि जनाब इसको तकसीम कर दिया जाए, इख्तियारात सूबों को दे के सिंध को अलहदा कर दो, पंजाब को अलहदा कर दो और केपीके को, ये इस हद तक लोग चले गए होते। अगर आप लेकिन बाजवा साहब, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, आपने मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता ममालिक का विजिट भी किया है, वहां पर तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर इससे भी ज्यादा है, वहां पर तो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली लेवल के जो अदारे होते हैं वो सिर्फ कवानीन के ऊपर बात करते हैं, ये नारी मोली के जो मामलात होते हैं ये तो लोकल बॉडीज का काम होता है। हमारे यहां लोकल बॉडीज को खत्म कर दिया गया है, हम जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है हम उसको भी कम करने के दर पे हैं, क्या आप नहीं समझते कि हमें उन मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए? मेरे भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जरा देख लीजिए, आप जरा दूसरे कंटेक्स्ट में ले रहे हैं, मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि वफाक ने इन मामलों को देख के सूबों को जो है वो सारी जो माली इख्तियारात है वो देने होते हैं, उनको तकसीम जो करना होता है वफाक ने करना होता है। अगर एक डायरेक्टली आप कह देंगे नहीं जी ये सूबा इतने इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, अब एक सूबे में अस्पताल की जरूरत नहीं है उसका फंड फिर कहाँ जाएगा, उस वहां एक यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है उसका फंड कहाँ जाएगा, उस वहां पे और बहुत सारे अदारे जो बनने हैं उनकी जरूरत ही नहीं है, उनके फंड कहाँ जाएंगे, वो सूबे में यही मिस यूज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें अमेंडमेंट की बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि ये पावर्स जो है डेवोल्यूशन ऑफ जो पावर्स की बात आप कर रही हैं मिस यूज हो रही है, ये गलत बनी है, ये हम आप अपने आप को जिनसे कंपेरिजन यूरोपियन ममालिक से कर रहे हैं हम उनसे 100 साल पीछे हैं। पहले ये तो देखिए कि आपके मुल्क के अंदर जो है जो ये करप्ट माफिया जो बैठा है पॉलिटिशियंस का, जिन्होंने पार्लियामेंट्री निजाम को दबाव बर्बाद करके रख दिया है, इतना नुकसान तो हमें दहशतगर्दों ने नहीं दिया जितना इन सियासतदार करप्ट सियासतदानों ने हमें दिया है, ये दिमक की तरह हमारे मुल्क को चाट गए हैं, ये जो सूबों के इख्तियार आते हैं ये दिमक की तरह मुल्क को चाट रहे हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है वफाक को मजबूत करना, जब वफाक मजबूत होगा तो सूबे भी मजबूत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अरसलान रफीक भट्टी साहब, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की जा रही है और फिर बात की जा रही है कि वफाक मजबूत हो, वफाक तो तभी मजबूत होगा जब सूबे मजबूत होंगे, और वैसे पाकिस्तान के अंदर कौन सा सूबा ऐसा है जहां पर हस्पताल पूरे बन गए, जहां पर यूनिवर्सिटियां ज्यादा बन गई और महासिन वफाक को वापस करने चाहिए? बाजवा साहब की बात कुछ मुझे समझ नहीं आ सकी। राय साहब देखें, ये बात दुरुस्त है कि इस हद तक तो दुरुस्त है कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी हस्पताल मौजूद हैं या हस्पताल बनने हैं, दोनों बातें, तो उसके लिए फंड्स होने चाहिए
और अगर जरूरत नहीं है तो वो फंड किसी और जगह लग सकते हैं। विफाक का काम होता है, एक माँ का किरदार होता है, माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए कि आपने इस तरह काम करना है, ये ना करे कि जी ये काम होने ही नहीं देना मैंने, लेकिन उनको काम यह है कि विफाक का इसमें। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आईन का जो हिस्सा होता है उसको छेड़छाड़ उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने करनी भी है तो उसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि आईन एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, डेफिनेटली है, लेकिन उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। ये कोई इल्हामी किताब तो नहीं है, बट इट्स अ होली बुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। भाई साहब कितना टाइम लगता है चारों पांचों वज़राए आला को बिठाने के लिए? 5 मिनट 10 मिनट उनको बुला के कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लें। चलें कोरोना आजकल है, हम नहीं कहते कि उनको इस्लामाबाद बुलाएं इकट्ठा करें, लेकिन उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके उनसे सारों से बात की जाए, क्या उनके मसाइल समझे जाएं, उनके मसाइल और वसाइल के दरमियान जो फर्क है उसको दूर किया जाए और विफाक अपनी मुश्किलात बताए। असल मामला वही है कि जी सब जो अभी आपने जितने भी माहरीन कानून से बात की, सियासतदानों से बात की, उनका यही कहना है कि जो महासिल का असल रौला वही है कि महासिल जो है वो 58% वहाँ जाएं, वो हमें मिले, सूबों को हम थोड़ा सा महदूद इख्तियार दे दें जिसपे वो अपना काम जो है रोजमर्रा के काम कर ले। और बिल्कुल राणा सनाउल्लाह का ये बात ठीक थी कि जब एक शख्स ने सूबे के ऊपर सबसे अच्छी पोस्ट पे लगना है, उसका सिपा सालार है, तो जो वहां पर सियासी तौर पर जो उसका सिपा सालार है उसका और ब्यूरोक्रेसी का यकीनन उसका हक है सूबे के सरबराह का कि वो चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहम तैनातियां करे, इसमें वफाक की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 18वीं तरमीम पर ही बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जनाब इम्तियाज शेख मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से इनका ताल्लुक है, सिंध के अंदर सेंटीमेंट्स क्या है 18वीं तरमीम के हवाले से जब बात की जा रही है, ये उनसे जानते हैं। इम्तियाज शेख साहब वेलकम टू द शो। बहुत मेहरबानी जी आपकी। शेख साहब आज जब बात की जा रही है 18वीं तरमीम के अंदर मजीद तरमीम करने की, उसे खत्म करने की, क्या सेंटीमेंट्स हैं सिंध के अंदर? देखिए जी, सिंध में इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, इसके अगेंस्ट कोई अगर कोई बात की जाती है तो या उसको तब्दील करने की कोशिश की जाती है या उस पर बात की जाती है। लेकिन ये एक सूबों के खुद मुख्तारी का मामला है, सूबों को इख्तियार दिया गया था, मालियाती इख्तियार और एडमिनिस्ट्रेटिव उनको अथॉरिटी दी गई थी, वो 10 साल पहले दी गई थी, उसके बाद एक पूरा सिलसिला चल पड़ा। और मतलब ये जो आईनी तरामीम थी बहुत ही मतलब मुश्किल से सब ने मिलकर की है। अब एक हर जब इस वक्त जब मसला होता है, कोई तवज्जो हटानी होती है किसी बात से या मतलब किसी को सिर्फ नीचा दिखाने की बात होती है, उस वक्त इस तरह की चीजें ले आते हैं। कभी एनएफसी अवार्ड की बात ले आते हैं, कभी कालाबाग डैम की बात ले आते हैं, कभी 18वीं तरमीम की बात ले आते हैं। 18वीं तरमीम देखें करने की पोजीशन में गवर्नमेंट है सही, इस वक्त तो वो मांगे तांगे के वोटों से हुकूमत कर रहे हैं, और फिर भी 18वीं तरमीम और आईन में तरमीम कैसे कर सकते हैं वो, जबकि तमाम बड़ी पोलिटिकल पार्टीज ने मना कर दिया कि हम इसको बात नहीं कर सकते, और इनकी अपनी अक्सरियत भी बजट में बड़ी मुश्किल से मिन्नत करके बजट पास कराते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तरमीम कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की बातें ना करनी चाहिए और सिर्फ कोरोना पर बात करें, जहाँ की मतलब पूरी दुनिया शेख साहब महासिल की बात की जा रही है। वफाक ये कहता है कि कर्जों की अदायगी और दफा के हवाले से सूबों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। देखिए जी, वफाक के अपने कोई पैसे नहीं है, पैसे सब सूबों के हैं और सूबों के पैसे जमा करके वफाक में जाते हैं, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये एक बड़ी मुश्किल से पूरा तय करके उन्होंने एक फार्मूला बनाए हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज बन के उसके तहत एनएफसी भी बना, उसके तहत बाकी चीजें भी बनी। तो अब उसको अगर छेड़ेंगे आप, पूरा वफाक खतरे में पड़ जाएगा, एक नई बहस आ जाएगी, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, कर भी नहीं पाएंगे आप, तलखियां बढ़ जाएंगी और आप मतलब खामखा फिर उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। इम्तियाज शेख साहब, एक अदारे की तनख्वाहों में इजाफे की बात भी की जा रही है, आप सपोर्ट करेंगे इस तनख्वाहों को बढ़ाने के हवाले से मामले को? देखिए जी, तनख्वाहें बढ़ती हैं, टैक्सेस भी बढ़ते हैं, और आज जो बजट हम जो रिकवरी करते हैं 5 साल से अगर उसको अभी कंपेयर करें तो अभी ज्यादा है, तो ये टैक्सेस बढ़ते जाते हैं, आमदनी बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो फिर तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। तो ये मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, ये सब मिले हुए आपस में चीजें हैं, उसके तहत ही चीजें होती हैं। अगर वो बजट होता है तभी तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब टैक्सेस बढ़ाते हैं आप, आमदनी ज्यादा होती है तब बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो पाता, उस वक्त गवर्नमेंट सोचती है और फिर ये तनख्वाहें बढ़ाने की बात करती है। ये सब पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, ये सिर्फ अलग से नहीं है कि तनख्वाहें बढ़ाई तो पैसे जरूरत पड़ गई, पैसों की आपकी, वो जब टैक्सेस बढ़ते हैं, जब आमदनी बढ़ती है तभी आप बात करते हैं।
अच्छा इम्तियाज शेख साहब, कुछ हल्के ये भी बात करते हैं कि अगर किसी एक अदारे की जो तनख्वाहें बढ़ाने की बात की जा रही है, अगर तनख्वाहें बढ़ गई तो फिर 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं होगा। आप समझते हैं कि ये बात, ये मफरूजा दुरुस्त है? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं समझता ये बात। और अगर तनख्वाहें बढ़ानी भी है तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट अपने बाकी खर्चे कम करे। अगर इस तरह का मसला है तो उनके पास तो बेसिकली 6 मिनिस्ट्रियां होनी चाहिए, 6 डिवीजन होने चाहिए, और बाकी उनको जरूरत भी नहीं है। आप आर्टिकल देख लें उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो तमाम चीजें डुप्लीकेशन में चल रही हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ये सब चले गए हैं ये बैंक में। उनको सिर्फ स्केलेटन रखना है ताकि कोऑर्डिनेशन पर्पजेज के लिए या बैन अलावामी रबतों की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई एग्रीमेंट्स होते हैं उस हवाले से। यहाँ तो पूरी की पूरी डिवीजन बनी हुई है, यहाँ पूरे के पूरे महकमे बने हुए हैं, तो मतलब अभी तक तो 18वीं तरमीम पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई। पहले तो उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपका, आपने सिंध के सेंटीमेंट से हमें आगाह किया। अरसलान रफीक भट्टी साहब, आप इस मफरूजे से किस हद तक इत्तफाक करते हैं कि अगर एक अदारे की तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिया जाता है तो फिर 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बात यह है कि तनख्वाहें बिल्कुल बढ़नी चाहिए, जितनी महंगाई हो रही है मुल्क में, इफ़्रात-ए-ज़र बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का बहुत। सिर्फ एक अदारे की या सबकी? नहीं, सबकी बढ़नी चाहिए जी। सब जितने जो भी नौकरी पेशा अफराद हैं, वो किसी भी, इवन मीडिया वर्कर्स भी हैं, इन सब की तनख्वाहें इन जो है महंगाई के हिसाब से बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और इस पर फाकी हुकूमत को आगे बढ़कर काम करना चाहिए, वो सूबों को बाउंड करे, सूबों पर जोर दे कि जी आप सबकी तनख्वाह बढ़ाएं। इम्तियाज शेख साहब ने भी बात वही की है कि तमाम जो वसाइल हैं वो सूबे इकट्ठे करके विफाक को देते हैं और उसके बाद उसमें से हिस्सा लेते हैं। सिंध की लड़ाई क्या है विफाक के साथ आज तक, केपी की लड़ाई क्या है, बलोचिस्तान की लड़ाई यही है, पंजाब की लड़ाई नहीं हुई है, चूंकि पंजाब बड़ा भाई है इसलिए थोड़ा सा माजी में इन बहुत सारे कई अरब रुपए जो हैं, तकरीबन कोई 600 कुछ अरब रुपए पंजाब ने अपने हिस्से से काट कर बाकी सूबों के लिए दिए थे। जेनरोसिटी दिखाई पंजाब ने जी, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने उनको दिए थे और उसमें यह कहा गया था जी कि पंजाब चूंकि बड़ा भाई है, हम थोड़ा सा पेट काट लेंगे लेकिन हमारे जो सूबे हैं उनका मसला हल होना चाहिए। वो इसीलिए पैसे दिए गए थे। अगर सूबे, अगर सिंध से देखें, आपका 80% जो बिजनेस है वहां पर हब है, कराची से आपको टैक्सेशन आती है, तो डेफिनेटली वो सारे का सारा सिंध नहीं लेगा, वो सारे सूबों के लिए कमा कर दे रहा है। पंजाब में अगर एग्रीकल्चर आउटपुट है तो वो सारे सूबों के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो इसकी डिवीजन जो है वो बेहतर तरीके से अगर कर लें तो हमें कम से कम जो तनख्वाहों का जो मामला है वो हल होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर 5% है, 10% है, 1% है, या जितने भी फीसद बढ़ाना चाहें, तो ये तमाम की जो तनख्वाहें हैं वो एक मुनासिब तादाद में और मुनासिब जो फीसद है यानी मुनासिब परसेंटेज जो है वो तमाम लोगों को मिलना चाहिए, ना कि किसी एक इदारे की बात हो या एक शख्सियत की बात हो, ये तमाम लोग जो हैं इनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या समझते हैं आप, ये कोई गिमिक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से, जैसे कि दीगर सियासी जमातें कह रही हैं कि गैर जरूरी तौर के ऊपर इस बहस को छेड़ा गया, ये वक्त नहीं था, अगर वो सीरियस होते तो तरमीम ऐवान के अंदर लेकर आते, मीडिया के अंदर ये बात लेकर आना, यूं लग रहा है कि शायद कोई गिमिक है, डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लीजिए कि गुज़िश्ता रोज शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुआविन खसूसी हैं बराए एहतसाब पे, उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश किए मियाँ उनके जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन अगर इतने सबूत हुकूमत के पास हैं तो हुकूमत अदालत में क्यों नहीं जाती, मुझे तो इस बात की समझ। अच्छा अरसलान रफीक भट्टी साहब, इस वक्त हमारे साथ साबिक जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब रमजान चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका नुक्ता नजर इस हवाले से क्या है। रमजान चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। रमजान चौधरी साहब, 18वीं तरमीम आजकल इन है, एक ट्रेंड के तौर के ऊपर सामने आ रहा है, 18वीं तरमीम के हक में और मुखालफत में बात की जा रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें, मैं ये समझता हूं कि जो आइन की असल शक्ल है, जो आइन की असल रूह है, आइन तो बना 1973 में, 1973 में, उसके बाद इसमें मुख्तलफ अदवार में, मुख्तलफ वक्तों में मुख्तलफ तरामीम होती रही और अब तक टोटल इसमें कोई मेरा ख्याल 25 या 26 तरामीम हो चुकी हैं। उनमें से एक तरमीम जो सबसे बड़ी तरमीम हुई उसका, उसको हम कहते हैं 18वीं तरमीम, क्योंकि तो इसमें बहुत से मामला इकट्ठे होकर आ गए थे। अब कोई भी तरमीम जो आइन में एक से लेके 26 तक या 25 तक जितनी तरामीम हुई है, कोई भी सहीफा आसमानी नहीं है। ये मुख्तलफ हालात के तकाजों के मुताबिक आइन के अंदर तरामीम की गई, जो इस मुल्क और कौम की जरूरत थी उसको मद्देनजर रख के ये तरामीम की गई। ना पहली तरामीम में से कोई सीफा आसमानी है, ना बाद वाली तरामीम में कोई सीफा आसमानी है, ना 18वीं तरमीम जो है ये कोई शजर ममनुआ है या कोई सीफा आसमानी है कि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसको दोबारा कोई रिकन्सिडर नहीं कर सकता, इसको दोबारा कोई रिव्यू नहीं कर सकता या इसको कोई देख नहीं सकता।
मगर मैलाफाइट नहीं होनी चाहिए, बदनीति नहीं होनी चाहिए। मुक्तदर पार्लियामेंट होती है, ये पार्लियामेंट भी एक मुक्तदर पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट दो तिहाई अक्सरियत के साथ इस तरमीम को दोबारा देखना चाहे, इसमें कुछ अच्छी चीजें उनको रखना चाहे और कुछ ऐसी चीजें जिसने वफाक को कमजोर कर दिया है और सूबों को इतना मजबूत कर दिया गया, वफाक की कोई हैसियत ही बाकी नहीं बचती, तो उनको दोबारा देखा जा सकता है। देखिए तो कुछ वजाहत करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे वफाक कमजोर हो गया और सूबे ज्यादा मजबूत हो गए। देखिए इस तरमीम में जो सूबा था सरहद, उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। मैं समझता हूं ये अच्छी बात है, ये अच्छी तरमीम है, इसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए, इसको नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये उस सूबे के लोगों की मर्जी के मुताबिक उनका नाम तब्दील हुआ। अब इसी तरमीम में जो तालीम है, वो जो एक फेडरल सब्जेक्ट था उसको सूबों के हवाले कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि पंजाब वाले अपना निसाब बनाएंगे, सिंध वाले अपना निसाब बनाएंगे, बलोचिस्तान वाले अपना बनाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा वाले अपना जो तालीमी निजाम करेंगे। तो फिर लेकिन एक जो गाइडलाइन होती है मरकजी, तो वो तो वफाक ही देता है तालीम के हवाले से। करते हैं कि जी अशराफिया का निजाम तालीम और है और गरीबों का निजाम तालीम और, तो फिर ये तो ऐसा ही रहेगा। अब ये जो एक फेडरल सब्जेक्ट था एजुकेशन तालीम, उसको हमने उठा के सूबों के हवाले कर दिया, तो अब क्या खराबी मची है कि किसी सूबे ने उसने उसमें असलाहत नहीं की। हर सूबे का अपना निजाम तालीम है, तो इसको देखने की जरूरत है कि क्या सब पूरे पाकिस्तान में एक जैसा निजाम तालीम चाहिए या हर सूबा अपना निजाम तालीम बनाएगा। इसी तरह आप सेहत की बात कर लें कि सेहत जो एक फेडरल सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में सेहत का जो सब्जेक्ट है ये वफाकी सब्जेक्ट है, उसको हमने सूबों के हवाले कर दिया। और अब क्या कह रहे हैं, सिंध और वफाक की लड़ाई शुरू होगी इस बात के ऊपर। वफाक कह रहा है नहीं जी लॉकडाउन नहीं करना, सिंध कह रहा है करना है। वफाक कह रहा है जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, सिंध कह रहा है नहीं जी कंप्लीट लॉकडाउन चाहिए। अब देखे लड़ाई शुरू हो गई है। इसी तरह बलोचिस्तान ने अपनी मर्जी की, केपीके ने अपनी मर्जी की, पंजाब ने अपनी मर्जी की। तो देखिए इस तरह जो फेडरल सब्जेक्ट था ये सेहत, ये हमने उठा के सूबों को दिया। आप बताएं कितने हॉस्पिटल बने जब से हमने सूबों को ये दिया है 18th अमेंडमेंट के बाद, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। और आके शिकवा किसके साथ करते हैं सूबे, हम करके ये वफाक कुछ नहीं कर रहा। ऐसे इस तरह की और कई चीजें, इस तरह आप ले लें जजेस की अपॉइंटमेंट पे आप आ जाए। मैं आप मुझे सुन रहे हैं राणा साहब? जी 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 फरमाइए। हाँ आप जजेस अपॉइंटमेंट पे आ जाए, जो जुडिशियल कमीशन बने हैं 175A, उसमें जो असल जुडिशियल कमीशन था जो तरमीम में बना था उसमें यह था कि जजेस की तादाद भी उतनी हो, उसमें इंतजामिया के लोगों की तादाद भी उतनी हो और जो बाहर के नुमाइंदगान हैं उनकी तादाद भी उतनी हो। लेकिन 19वीं तरमीम करके जजेस की तादाद ज्यादा कर दी हमने, वो जजों की मोनोपोली बन गई उसमें। अब कोई जज मेरिट पे नहीं आ रहा, जिसको जज चाहते हैं वो लग जाता है, कोई जज अपने चैंबर का लगवा लेता है, कोई अपना भतीजा भांजा अपना अजीज लगवा लेता है, कोई अपने दामाद को लगवा लेता है। तो ये बंदरबांट हो रही है अब जजों की अपॉइंटमेंट के ऊपर। अब कोई मेरिट के ऊपर जज नहीं आ रहे, उसकी वजह है कि वहां अगर मुखालफत कर भी ले गवर्नमेंट का नुमाइंदा उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि जजों की तादाद इतनी ज्यादा है। उस पर अगर बाहर का नुमाइंदा अपना इख्तलाफी नोट लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसमें मैं समझता हूँ तरमीम होनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बार की भी और हुकूमत की भी और जजेस के नुमाइंदगान की भी, ताकि कोई फैसला मेरिट पे हो। फिर उसमें यह था कि जब जजों की तैनाती हो जाएगी तो वो जाएगा पार्लियामानी कमेटी के पास, पार्लियामानी कमेटी देखेगी ये तैनातियां ठीक है कि नहीं। अब पार्लियामानी कमेटी को हमने रिडंडेंट कर दिया एक जजमेंट दे के, और सदर का रोल उसमें से हमने बिल्कुल निकाल दिया। सदर को हमने कह दिया कि डाकखाना एक पोस्ट ऑफिस है जो कि सिंबल ऑफ यूनिटी है, जो वफाक की नुमाइंदगी करता है, उसको हमने कह दिया कि उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। तो इस तरह राणा साहब मैं समझता हूँ ये बहुत रमजान जो साहब आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जो बहस की जा रही है, जिस पर एतराज किया जा रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ महासल की तकसीम की बात की जा रही है। लेकिन डिबेट तो ओपन करें, आप पार्लियामेंट में ले जाए इसको, इसके ऊपर डिबेट ओपन करें और जो बातें नामनासिब है वो आप निकाल दें, जो बातें रिव्यू हो सकती है रिव्यू करें, जो अच्छी बातें रख लें, जो अच्छी बातें नहीं है तो ये कुछ सीफा आसमानी तो है नहीं कि अगर ये पार्लियामेंट में इसके अंदर बहस शुरू होगी तो कोई आसमान गिर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान चौधरी आपका, अरसान रफीक भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती आरा से आगाह किया। नाजिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेजबान राय हसनैन को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।